चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग, चलिए तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अभी इसकी एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है। हर साल इसकी एग्ज़ाम होती है, तो अभी इसकी एग्ज़ाम हुई थी। अभी रिजल्ट भी आ चुका है इसका, ठीक है। 31 तारीख को इसका रिजल्ट आया है। अब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसके बाद फिर इनकी जो भी है काउंसलिंग होगी और इनकी सबको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अब जिन्होंने भी अभी 12th पास किया है, जिन्होंने भी अभी 12th पास आउट किया है ना, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर वो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग में, तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। क्यों? देखो, क्योंकि देखो धीरे 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 आप तैयारी करोगे तो बूंद 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 से घड़ा भरता है। और आप अभी से तैयारी करोगे तो आपके एग्ज़ाम तक आपके अच्छे कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आने से क्या होता है कि आप जो चाहे वो कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप अभी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है मैं ये भी बता देता हूँ। आपको पढ़ना है NCERT 11th की और 12th की। यहाँ से बाहर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाता, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है, जिन्होंने 12th पास कर लिए उनके लिए तो आपको क्या है छत्तीसगढ़ बीएससी में क्या क्या है। एक तो 12th पास होना चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, इसमें गर्ल्स और बॉय दोनों अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसके एग्ज़ाम परीक्षा की तिथि 19 जून 2022, और 8 जिले रहते हैं इसमें, अंबिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगतपुर, कबीरधाम, रायगढ़ और रायपुर, ठीक है। ये पुराना था तो मैंने इसको एक PDF डाउनलोड कर, पात्रता है पहला 12th पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 17 से 28 वर्ष एज होनी चाहिए, गर्ल्स और बॉय दोनों अप्लाई करते हैं इसमें, 100 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, पेपर ऑफलाइन होता है ना, कंप्यूटर पे नहीं होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, 20 नंबर की बायोलॉजी, 20 नंबर की केमिस्ट्री, 20 नंबर की फिजिक्स, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर से मानसिक अभियोग्यता, नर्सिंग अभियोग्यता, ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। इस बार कम से कम 150 से 200 स्टूडेंट पास हुए हैं, है ना। अभी उनका रिजल्ट आया है। अब 200 से ऊपर स्टूडेंट अभी CGBSE में पास हुए हैं, लेकिन मैं उनका फ़ोटो कब लगाऊंगा, उनका फ़ोटो हम लगाएंगे उनको कंप्लीट कॉलेज मिल जाए उसके बाद, ठीक है। तो जिनको अभी से तैयारी करनी है तो कल से एक फ्री क्लासें चल रही हैं, जिनको भी ऐड होना है फ्री क्लास में ऐड हो सकते हैं। जिनके पास 11th की NCERT नहीं है वो मेरे को मैसेज कर देना कि सर हम CGBSE की नर्सिंग तैयारी कर रहे हैं और हमें भी फ्री क्लास में ऐड होना है और NCERT की आपको बुक लेनी है, तो मैं आपको NCERT की बुक भी प्रोवाइड करा दूँगा। उसको क्या करना है, उसको आपको PDF मिलेगी, उसमें आपको एक 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 चैप्टर पढ़ना है। जो चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ लिया उसमें आपको जो IMP लगे वो एक कॉपी में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तक आपकी ऐसी धीरे 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 करके अच्छी तैयारी हो जाएगी, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो जिनको अभी से अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे तैयारी करो, क्योंकि तैयारी तो करना है। एग्ज़ाम आने के बाद तैयारी करोगे तो 1 महीना मिलता है, लेकिन आप अभी से तैयारी करोगे तो आपके पास 8 से 10 महीने, ठीक है। तो आराम से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। तो जिनको तैयारी करना है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है CGBSE की, इसके बाद फिर नई वैकेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। इसमें ANM की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसकी भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।